वेलकम टू मैग्नेट मैं हूं तुम्हारी मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेट ट्वेल्थ बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट टू यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या इसी को बोलने का दूसरा तरीका टू क्वेश्चन पर वापस हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या पता कब सीबीएसई वाले टू मार्क क्वेश्चन को चेंज करके तोड़ मरोड़ के उठा के रख दे किस में स्टडी बेस्ड क्या एक सब पार्ट बना दे इसीलिए अब तो बहुत ज्यादा ऐसे पॉसिबिलिटी है कि वन मार्कर को भी उठा के सेक्शन सी में किसी एक सब पार्ट में रखा जा सकता है या वन मार्कर को कन्वर्ट कर दिया जा सकता है किस में एम सी क्यू में सेम चीज टू मार्कर के साथ भी हो सकती है तो अब हमें हर एक क्वेश्चन को हर एंगल से समझना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होने वाला है इसी चैनल पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स जहाँ मिलता है आपको फ्री एजुकेशन किंडर गार्डन से लेके ग्रेड ट्वेल्थ तक इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी तो एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन तो वैसे ही जैसे ही हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या होता है तरीका कि जैसे ही तुम क्वेश्चन देखो क्या देखोगे इसके की को देखोगे की को करोगे अंडरलाइन एक मिनट लोगे उससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें याद आ रही है फटाफट बोलते चलोगे और फिर उसके बाद पूरा अपना जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे वापस बोल रही हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो क्वेश्चन हम एक बार ही पढ़ेंगे बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ेंगे क्यों क्योंकि ये आदत डालो एक ही बार क्वेश्चन पढ़ने की क्योंकि जब तुम एग्जाम हॉल में जाओगे बहुत टेंस रहोगे होगा ये कि अगर जब एनसी की ओ क्वेश्चन सोल्व करें एक बार तुमने क्वेश्चन पढ़ा एक बार में जितना बहुत समझ आ गया आ गया अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा ऐसा ना ठीक है मन नहीं भरा एक और बार पढ़ लेते तुमने एक और बार पढ़ा अब अगर पढ़ाई ठीक भी होगी या नहीं भी की होगी या बहुत अच्छी भी की होगी तो भी होता यह है स्ट्रेस के कारण वो क्वेश्चन अब तुमको अलग एंगल में देखने लगेगा स्पेसिफिकली ये तब होता है जब कोई एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो या कोई लॉजिकल अजन रीजन टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हो तो होता यही है कि पहली बार तो वो क्वेश्चन ठीक ठाक लगने लगता है दूसरी बार में वो क्वेश्चन का एंगल ही चेंज हो जाता है और जब तुम ऑप्शन देख लेते हो तो, तो फिर और ही चेंज हो जाता है और इसमें भी बायो में तो फिर भी ये थोड़ा कम होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट यही होता है तो इसीलिए क्या करना है एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है ध्यान से से पढ़ना है है ज्यादा ज्यादा मन नहीं भर रहा है, तो दो बार पढ़ लो पर उसके आगे मत बढ़ो ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन टू मार्क क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन हो रहा है क्वेश्चन नंबर वन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट बिफोर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्पोरोजिनस टिश्यू अंडर गो सेल डिविजन वो पूछने की बताओ जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो कौन सा डिविज़न अंडर गो होता है तो हमें पता है स्पोरोजिनस टिश्यू के वहीं पर डिवाइड होगा और बनेगा क्या हमारा पोलन मदर सेल या फिर उसी को हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल उसका क्या होगा वो डिप्लॉइड से क्योंकि जो हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है या इसी को बहुत बार क्वेश्चन में रेफर कर दिया जाएगा पोलन मदर सेल पीएमसी या एमएमसी है ना पुणे म्युनिसपल कॉर्पोरेशन नहीं कौन सा पोलन मदर सेल ठीक है आई बात समझ में और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल देखो एमएमसी जैसा यहां पे पढ़ रहे हैं सेम हम मेगास्पोर में भी एमएमसी ही बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल तो याद रखना ये एम कौन से कंटेक्ट में बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है तो जो आ, पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदरसेल है ये खुद ही कैसी है ये खुद है टू एन यानी कि डिप्लोइड अब इसको क्या करना है इसको अपना टू एन का एन बनाना है टू एन का एन बनाना है तो बताओ मुझे मतलब डिप्लॉइड का बनाना है तो कौन सी प्रोसेस लगाओगे मियोसिस बिल्कुल सही है इसी को हम क्या बोलते हैं रिडक्शनल डिविजन क्लियर इतना अच्छा तो इसके बाद क्या बनेगा टेट्रेड बनेगा याद करो पढ़ चुके हो बहुत बार सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आता है सोचो वन मार्कर में भी आया था एनसीईआरटी के सोल्यूशन में भी आया था और शॉर्ट आंसर टाइप में मतलब टू मार्कर में फिर से आ गया और यकीन मानो थ्री मार्कर में भी गोल घूम के कहीं ना कहीं से आ जाएगा डायग्राम बेस में भी आएगा और केस स्टडी में अगर उन्होंने केस इससे रिलेटेड दिया तो एक क्वेश्चन तो पक्का अरेंजमेंट का रहेगा तो ये इस पर्टिकुलर टॉपिक की वैल्यू तुम समझ रहे हो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली याद रखो बायोलॉजी में अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो प्रोसेस का सीक्वेंस अगर कोई स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं तो आउटसाइड टू आउटसाइड टू इनसाइड या इनसाइड टू आउटसाइड का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का आ, मतलब नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि बताओ एक एंजियोस्पॉमिक प्लांट में जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो किस टाइप का सेल डिवीजन अंडरगो करेगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो बनाता है हमारा एमएमसी तब तो माइटोसिस होके ही एमएमसी बनता है क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू खुद टू एन है, है फिर वो बनता है वापस जो पीएमसी एमएमसी है 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 फिर का क्या बनाया जाता है? बना जाता है। कैसे बनाया जाता है थ्रू मियोसिस यही तो पूछ रहे है वो और बनने के बाद क्या बनता है देखो उन्होंने आंसर भी दे दिया है कि सेकेंड वाले पार्ट में यह टेट्राइड बनता है और टेट्राइड की प्लॉयडी देखो अभी हमने लिखा तो टू एन तक मतलब पीएमसी तक या एमएमसी तक हर चीज कैसी रहेगी डिप्लॉयड रहेगी उसके बाद जो भी चीज है सारी के सारी कैसी है ठीक है हमने अभी भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है हमने सॉल्व कर लिया अब आते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन अरे पता है क्या क्या आगे हो रहा है इसका मतलब टू एन का एन करना है देख लेते हैं आंसर तो मियोसिस हुआ मियोसिस डिविजन और दूसरा क्योंकि क्या किया था डिप्लॉइड का एन किया, किया था हुआ क्लियर इतना मूव करें आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू आउटर ऑफ़ पोलन एनवल बस मैंने इतना ही क्वेश्चन पढ़ा अब मुझे पता है पोलन ग्रेन के दो पार्ट्स होते हैं आउटर वाले को एक्साइन बोलते हैं जो स्पोरोपोलनिन का बना होता है अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं स्पोरोपोलनिन में वो कैपेसिटी होती है जो इस पोलनग्रेन को रेजिस्टेंट बनाती है एक्सट्रीम टेम्परेचर से इनफैक्ट फॉसिल में भी इस पोरोपोलिन के कारण हमें पोलन ग्रेन मिल जाते हैं हाँ बस पोलन ग्रेन जो स्पोरोपोलिन है हर जगह होते एक्सेप्ट एक जगह को छोड़कर जिसको हम क्या बोलते हैं जर्म पोर बोलते हैं जहाँ से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है देखो ये अब मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन में क्या पूछा है नहीं पूछा है पर मैंने ऑलरेडी ये सारा सिर्फ ड्रॉ करते करते या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ गए ठीक तो ये वाला है एग्जाइन ये अंदर वाला है अंदर वाली लेयर है इंटाइन और ठीक है आगे पढ़ लेते हैं आउट आउटर एनवलप ऑफ पोलन ग्रेन मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस हाँ स्पोर ऑफ पोलन अभी तो डिस्कस किया व्हाट इज दैट सब्सटेंस अरे अभी तो बोला स्पोर आगे एट विच पर्टिकुलर पॉइंट द सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट देखो

भी बना होता है का का, नहीं, अलग-अलग चीजों जिसमें वो बना होता है बना होता है किसका सेलुलोज और पेक्टिन का याद रखें देखो अब पूछा नहीं है पर अगर तुम याद हो कि एग्जाइन किसका बना है, तो इंटाइन भी याद कर लो किसका बना है? क्या पता वापस सीबीएसई वालों का दिमाग खराब हो जाए मतलब दिमाग नहीं खराब हो जाए मतलब वही क्वेश्चन का लेवल टफ कर टफ करने के लिए वो एक, अब उनको पता है कि बच्चों को पता है कि पूरे टाइम एग्जाइन किसका बना है एग्जाइन किसका बना बनाए है? पूछते है। इस बार पूछ लिया बताओ इन टाइम किसका बना है तो पता होना चाहिए ठीक है तो किसका बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का ठीक है और एक जगह पे स्पोरोन नहीं होता तो उसी जगह को क्या बोलते हैं जोर ये वही जगह है जहां से क्या ओरिजिनेट होता है पोलन ट्यूब याद रहेगा इतना मूव करें आगे चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है फ्रूट्स जनरली डेवलप फ्रॉम ओवरी बट इन फ्यू स्पीशीज थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन रुक जाओ यहाँ पे हमें पता है फ्रूट जो है वो ओवरी से बनता है सीड जो है वो ओव्यूल से बनता है जनरली जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्रू फ्रूट बोलते हैं बट अगर किसी किसीसरी पार्ट से फ्रूट बन जाए मतलब सिर्फ ओवरी से फ्रूट बनना चाहिए बाकी फ्लावर के किसी भी पार्ट से ओवरी नहीं ओवरी फ्रूट नहीं फ्रूट नहीं बनना चाहिए फ्रूट का कोई पार्ट नहीं बनना चाहिए केस किसी एसेसरी पार्ट से जैसे कि से अगर फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट जो तुम्हारे एनसीआरटी के एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है और एनसीआरटी के एंड एंड पोर्शन में दिया हुआ है इसी चैप्टर के ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं फॉल्स फ्रूट एग्जाम्पल क्या है एप्पल बहुत बढ़िया अब क्वेश्चन पढ़ ले नेम द टू कैटेगरी ऑफ फ्रूट अभी तो बोला एक ट्रू फ्रूट होता है एक फॉल्स फ्रूट होता है आगे गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच अरे ट्रू फ्रूट में तुम कुछ भी लिख दो और उसके बाद बस फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल याद रखो देख लेते हैं आंसर तो ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल है मैंगो फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है एप्पल याद रहेगा इजी है तुम अगर देख सकते हो बार बार फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन आया जा रहा है तो आ सकता है वापस एक ही क्वेश्चन अगर 10 बार एक्सरसाइज में भी हो एग्जाम्पलर्स में भी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी हो फिर अगर तुम देखोगे तो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में भी हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिलेगा तुमको फॉल्स फ्रूट पे क्वेश्चन तो बाबा हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारा ठीक है चलो मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर पे अमंग द एनिमल इंसेक्ट्स पर्टिकुलरली बीज आर डोमिनेंट पॉलिनेटिंग एजेंट हाँ पता है जो बीज है या इंसेक्ट्स है इंसेक्ट्स में भी बीज ज़्यादा क्या है सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोलिनेटिंग एजेंट है क्योंकि उनका रीज़न भी है उनको हनी बनाना है उनको नेक्टर का यूज़ करके पोलन ग्रेन का यूज़ करके और ख़ुद के सलाइवा का यूज़ करके हनी बनता है ना ये कहाँ मिल जाएगा तुम्हें इन्फॉर्मेशन हनी बी की कहानी में मिनी जानकारी में ठीक और वैसे तो तुम्हारी बुक में ही है बट वो चैप्टर तुम्हारे कोर्स से हटा दिया गया है अनफॉर्चुनेटली पर घबराओ मत मैं पढ़ा दूंगी ठीक आगे आते हैं उसके बाद अगर हम बात करें आ, वापस बी की तो बी एक इंसेक्ट्स में आई तो उस टाइप के आ, पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं एंटेमोफिली ठीक है जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा है और इंसेक्ट की मदद से पॉलिनेशन हो रहा है अच्छा इंसेक्ट के अलावा और कौन कौन से एजेंट्स है विंड है वाटर है बर्ड्स है अगर याद आ रहा हो और कुछ एनिमल्स है ठीक है चलो याद हो गया आगे पढ़ते हैं लिस्ट एनी फोर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एन इंसेक्ट पॉलिनेटर पॉलिनेटेड फ्लावर तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन के चांसेस तो हैं आने के पर ज्यादा चांसेस है तुम्हारे प्रैक्टिकल में आने के क्योंकि प्रैक्टिकल में जो सात स्पॉट है उसमें से एक स्पॉट तुमको मिलेगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का तो क्या पता वो उठा के फूल ही रख दे और बोले पहचानो ये फ्लावर किस टाइप के पॉलिनेशन किस टाइप का एजेंट ऑफ पॉलिनेशन यूज करता है तो तुम क्या देखोगे वो फूल देखोगे जैसे तुमने फ्लावर को देखा तो तुम देखोगे सुंदर सुंदर सपोज रोज रखा है या हिबिस्कस रखा है तुमने देखा उसके पास पेटल्स है वो भी कलरफुल पेटल है क्यों कलरफुल पेटल है क्योंकि तुमको किसको बुलाना है मतलब तुमको नहीं मतलब फ्लावर को किसको बुलाना है अपने पास एक इंसेक्ट्स को पर्टिकुलरली बीज को इसलिए उसके पेटल्स कैसे रहेंगे एकदम कलरफुल अच्छा सिर्फ बुलाना है और कुछ नहीं करना है नहीं और फ्लावर्स से कलर से भी बुलाना है साथ में सुगंध से भी बुलाना है कि भैया आ जाओ यहाँ पे आ जाओ तो कैसा रहेगा कलरफुल फ्लावर रहेगा फिर उसमें ऑर्डर भी रहेगी उसके बाद ऐसे ही बुला दोगे फ्री में बुला दोगे कुछ रिवॉर्ड नहीं दोगे बदले में कुछ नहीं दिया जाएगा इंसेक्ट को अरे दिया जाएगा ना क्या नेक्टर तो नेक्टर भी होगा और सिंस बीज आ रहे है या कोई इंसेक्ट आ रहा है तो उसको बैठने के लिए कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा देखो अपन अपन मेहमान को बुलाते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते बस आ जाओ खड़े रहो है ना उसके बाद हम ऐसे ही बातें कर लेते हो और वापस चले जाओ नहीं हम बोलते आओ बैठो है ना या लैंड करो या इस जगह पे बैठ के आराम से चाय नाश्ता करो फिर जाओ तो फ्लावर भी तो यह नहीं कर रहा है वो क्या बोल रहा है आओ यहाँ पे बैठो पहले बुलाया कैसे कलरफुल पेटल से थ्रू और अच्छी अच्छी सुगंध के थ्रू बुलाया वो बेचारा इंसेक्ट बेचारा तो नहीं उसका भी काम है आ, उड़ते हुए आया फिर हमेशा ऐसे फ्लावर में क्या रहता है एक लैंडिंग पैड होता है जहां पे वो इंसेक्ट आराम से बैठ के पोलन ग्रेन नेक्टर ढूंढ सकता है हमने बिठा दिया फिर जैसे तुम अपने मेहमान को चाय पानी नाश्ता जो भी है वो पूछते हो तो अब फ्लावर ने बोला कि अब तुम इतने दूर से आए तो भैया नेक्टर भी ले लो तो कलर है ओडर है नेक्टर है और साथ में लैंडिंग पैड भी है कि बैठना तो है तो यही तो पूछ रहे वो और नया क्या पूछ रहे हैं कि बताओ चार कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के तो ये क्वेश्चन एक हाथ बार आया होगा ट्वेल्थ बोर्ड में क्योंकि अगर उनको उन्होंने ऐसा जनरली ऐसा होता है कि अगर कुछ क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं तो कुछ सिंपल क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिकल में पूछते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में तुमने अपने प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखा है स्पॉटिंग का भी क्वेश्चन है और बहुत बार एक्सटर्नल वाइवा में भी पूछ लेते हैं हुआ क्लियर इतना तो अगर वापस इस क्वेश्चन पे मूव करें तो ये क्या है

हो रहा है या आप एज एज अ अ बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट यूज कर रही है तो है ऑर्निथोफाइली याद रहेगा मूव करें आगे तो देख लेते हैं इसका आंसर फ्लावर आर लार्ज एक तो साइज भी तो बड़ा करना पड़ेगा बुलाना पड़ेगा आओ आओ और इनकेस फ्लावर का साइज स्मॉल है तो तुमको इनफ्लोरसेंस में मिलेंगे वो फ्लावर मतलब झुंड में मिलेंगे जैसे अगर हम बात करें जैस्मिन की मोगरे की या रजनीगंधा गंधा की फ्लावर्स है अच्छी खुशबू देते एकदम स्ट्रॉन्ग खुशबू देते हैं ठीक है फ्लावर का साइज छोटा छोटा होता है पर वो क्या रहते हैं जनरली मोगरा तो नहीं पर रजनीगंधा कैसा होता है इनफ्लोरसेंस में रहता है मतलब तो बल्क में इकट्ठा आता है तो दूर से इंसेक्ट्स को दिख जाएगा अरे वहां फूल खिला हुआ है ठीक है तो फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल पेटल्स ऑफ फ्लावर अब देखो आप बोलोगे मैम पर मोगरा का तो कलर व्हाइट होता है रजनीगंधा का भी कलर व्हाइट होता है हाँ तो जनरली ये जो फ्लावर्स रहते हैं ना वो रात को खिलते हैं देखो हर फ्लावर ने अपना अलग अलग पैटर्न ढूंढा है कि अगर इन केस कलर नहीं है मेरे पास तो एक काम करता हूँ एकदम अर्ली मॉर्निंग या रात को थोड़ा थोड़ा खिलेंगे तो उससे वो एकदम चमकने लगेंगे और जैसे ही इंसेक्ट सुबह उठेंगे तो वो पहुंच जाएंगे उनके पास <laughs> हुआ क्लियर चलो और उनके पास जनरली देखना तुम एक ऑब्जर्व करोगे तो कलरफुल फ्लावर के कंपेयर में जो व्हाइट कलर वाले फ्लावर है <coughs> सॉरी उनकी ना ओडर बहुत स्ट्रांग होती है बहुत स्ट्रांग होती है वही है ना कि अगर एक चीज़ नेचर ने कम दी तो दूसरी बहुत स्ट्रांग कर दी है ठीक अच्छा प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस यस बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ फ्रेग्रेंस होती ही है उसके बाद रिच इन नेक्टर वही है ना एट द एंड तुम अगर इंसेक्ट को बुला रहे हो देखो ये सारी चीजें तो ये सब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्लावर तक पहुंच गया अब फ्री में बस ऐसे बोलो कि ठीक है थोड़ा घूम लो पोलिनेशन करा दो और चले जाओ ऐसा तो होगा नहीं अच्छा आप बोलोगे मैम पर पोलिनेशन कैसे कराएं समझो बात को जैसे ही फ्लावर के पास आया वो इंसेक्ट उड़ के आ, फ्लावर का साइज़ लार्ज था कलरफुल पेटल थे फ्रेगनेंस से वो आ गया उस फ्लावर के अंदर आ गया अब जनरली नेक्टर ऐसी जगह छुपा के रखता है फ्लावर कि थोड़ा उस इंसेक्ट को ढूंढना पड़ेगा ढूंढने के चक्कर में वो क्या करता है ढूंढने लगता है ढूंढने लगता है और घूमने लगता है फ्लावर में ही घूमने लगता है वो इंसेक्ट अब ये मत बोलो मैम फ्लावर फ्लावर में कैसे वो फ्लावर का साइज देखो और इंसेक्ट का साइज भी कम है वो भी देखो ठीक है उसके बाद वो घूम रहा है तो घूमते घूमते क्या होता है कि जो आंथर रहता है उसमें जो पोलन ग्रेन है वो उस इंसेक्ट की बॉडी पे लग जाते हैं ठीक है वो ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है ढूंढते ढूंढते जैसे उसको नेक्टर मिला और जनरली नेक्टर रखा कहां पे रहता है गाइनोश्

तो ये क्या था तुम्हारा ये आ सकता है किस में स्टार मार्क करोगे प्रैक्टिकल के स्पॉटिंग में आने वाला है उस वाली कैटेगरी का क्वेश्चन है और साथ में बोर्ड में भी आ सकता है मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव पे डिफ्रेंशिएट बिटवीन जियोटनोगी एंड जीनोगी जब भी डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन आएगा क्या करना है हमको टेबल ड्रॉ करके आना है पैरा नहीं लिखना है बार बार एक चीज बोलूंगी हमें ऐसा पेपर प्रेजेंट करना है जिससे हमारे एग्जामिनर को कम से कम कष्ट पड़े और इजीली वो चेक कर दे हुआ क्लियर तो क्या करोगे तुम डिफरें डिफ्रेंशिएशन करोगे डिफ्रेंशिएट करोगे किसमें जियोटनोगी में और जीनोगी में तो याद करो तीन टाइप की पोलिनेशन तुम पढ़ चुके हो पहले को बोलते हैं ऑटोगी जो एकदम स्पेसिफिकली सेल्फ पॉलिनेशन ही है दूसरे वाले कंडीशन में आती है जियोटनोगी जो टेक्निकली देखा जाए मतलब जेनेटिकली देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन जैसा ही है क्यों क्योंकि जेनेटिक मेकअप दो फ्लावर का सेम है एक ही प्लांट के अगर देखो एक ही प्लांट है ठीक है और इसके दो फ्लावर्स हैं, ठीक है ठीके? एक ही प्लांट है इसके दो फ्लावर्स हैं। तो जेनेटिकली तो दोनों सेम हो मतलब वेरिएशन का तो कोई चांस आने ही नहीं वाला वापस बना देते हैं फ्लावर को चलो ऐसा बनाते हैं ठीक है ठीके? और ये दूसरा फ्लावर है, ठीक है तो अगर एक ही फ्लावर के देखो, जो मैंने पहले बोला कि तुम पढ़ चुके हो पहले वाला दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट है उसी, के, उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है उसके स्टिग्मा पे गया तो उसको ऑटोगैमी बोलेंगे ठीक है सेल्फ पॉलिनेशन अब मैं बोल रहा हूं जियोनोगी भी टेक्निकली देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्यों क्योंकि एक ही प्लांट है एक ही प्लांट का एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है एक फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ के आया और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो गया तो तो जेनेटिकली सेम है वेरिएशन नहीं आएगा या बहुत कम आएगा अगर दो फ्लावर के कंटेक्स में बात की जाए तो ये क्रॉस पोलिनेशन हुआ क्योंकि एक फ्लावर का मेल पार्ट दूसरे फ्लावर का फीमेल पार्ट ठीक है ऐसे उड़ के आया और जो तो थर्ड टाइप का पॉलिनेशन है जिसको क्या बोलते हैं जेनोगैमी तो इसमें क्या हुआ है दो अलग अलग प्लांट है उनके ऊपर लगे लगे अलग अलग फ्लावर है एक का अंतर उड़ के आ रहा है और दूसरा के स्टिग्मा पे अटैच हो रहा है तो इसको और ये दोनों जेनेटिकली भी ये दोनों प्लांट अलग अलग है तो उसको हम क्या बोलेंगे जीनोगी हुआ क्लियर इतना तो वो वही पूछा कि डिफरेंट करके बताओ कि और के बीच का डिफरेंस क्या है है तो एक में है एक में वेरिएशन आएगा जो तुम्हारा में कोई वेरिएशन नहीं आएगा या बहुत कम वेरिएशन आएगा फिर बताना पड़ेगा जियोटनोगी एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच का पॉलिनेशन को बोल रहे हैं जीनोगी दो अलग अलग प्लांट दो अलग अलग फ्लावर के बीच का जो पॉलिनेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं हुआ क्लियर इतना चलो देख लेते हैं आंसर तो डिफरेंस है इसलिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो वापस जियोटोनोग्यामी क्या है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनादर टू स्टिग्मा ऑफ अनादर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट सेम प्लांट है सेम प्लांट है पर फ्लावर अलग अलग है यहां से उड़ के एक का पोलन आया दूसरा के स्टिग्मा पे बैठा बट सिंस दोनों फ्लावर सेम ही प्लांट को बिलोंग करते इसलिए जेनेटिकली वो क्या है सेम है सिंस जेनेटिकली सेम है तो क्या उसमें रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ क्लियर इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा अब ये क्वेश्चन जो ये मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ कहाँ आ सकता है अजर्शन रीजन में भी आ सकता है मतलब कहने को तो हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं पर पर्टिकुलर ये पॉइंट आ सकता है अजर्शन रीजन में जिसमें एक स्टेटमेंट रहेगा कि इन जियोटोनोगी जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल रीजन बिकॉज इन जियोटोनोगी बोथ द फ्लावर बिलोंग टू द सेम प्लांट विच इज हैविंग सेम जेनेटिक मेकअप तो अगर ऐसा कुछ मिला तो आंसर क्या आएगा ए आएगा अब उसका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ठीक है चलो देख लो जीनोगी में तो जीनोगी में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अनादर टू तो स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट प्लांट ही दोनों अलग अलग है एक फ्लावर से उड़ के आया पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे बैठा तो एकदम कंप्लीट अलग है ठीक और यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है पॉसिबल है वेरिएशन पॉसिबल है चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे इन द फिगर इन द गि फिगर ऑफ अ डायकॉट एम्ब्रियो लेवल द पार्ट एन बी एंड गिव देर फंक्शन तो देखो ये डायग्राम है डायग्राम बेस क्वेश्चन में आ गया अदरवाइज अब दो मार्क में है तो एक को एक मार्क मिलेगा दूसरे को दो तो याद करो ये तुम्हारे बुक का ही डायग्राम है डायकॉट का डायग्राम है जिसमें तुम्हारी बुक में रूट कैप प्लिम्यूल हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल मेंशन नहीं था याद करो मैंने अलग से तुम्हें एग्जाम जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैंने बोला था कि एपिकोटाइल भी लेबल करो क्या पता पूछ लिया जाए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एपिकोटाइल तो नहीं पूछ रहे पर हाँ, वो प्लेम्यूल और कॉटोलिडन जरूर पूछ रहे तो देख लेते हैं ये दोनों क्या है कॉटलिडन है याद करो डाइकॉट है तो ये दोनों क्या है कॉटेलिडन है क्योंकि दो कॉटलिडन है तभी तो नाम है डाईकॉट ठीक उसके बाद ये जो बीच वाला पोर्शन है ये तुम्हारी बुक में मेंशन है हाइपोकोटाइल फिर है रेडिकल फिर है रूट कैप और अगर यहाँ पे बात की जाए तो इस पर्टिकुलर जगह पे है जिसको बोलते हैं प्लेम्यूल और उसी के जस्ट नीचे मैंने एक लेबलिंग करवाई थी जिसको क्या बोलते हैं हम एपिकोटाइल याद आया अब इसमें पूछा जा रहा है बताओ ए और बी क्या है तो सीधा सीधा दिख रहा है ए है तुम्हारा प्लेम्यूल टू फॉर्म शूट सिस्टम और बी है कॉटन लिडन फॉर स्टोरेज ऑफ फूड याद रहेगा इतना मूव करें आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है नेम द पार्ट ए बी सी एंड डी ऑफ द एंट्रोपिस ओव्यूल गिवन अबव एंट्रोपस ओव्यूल गिवन अबव याद करो मैंने बताया था कि तुम्हारी बुक में डायग्राम उल्टा बना है एक्चुअली देखा जाए तो वो सही है क्योंकि तुम्हारी बुक में ऐसे ही कुछ बना हुआ है अगर याद होगा तो बट तुम्हारी बुक में मैंने बताया था कि सिक्स टाइप ऑफ ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है जिसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है एनाट्रोपिस होता, होता है बहुत सारे छह और फर्दर इसमें मतलब टाइप ऑफ ओव्यूल या पोजीशन ऑफ ओव्यूल के अकॉर्डिंग हम ओव्यूल को ही छह फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अब ट्वेल्थ बोर्ड के लेवल के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है हाँ जब तुम ग्रेजुएशन में बॉटनी पढ़ोगे तब पढ़ोगे या फिर नीट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हुआ क्लियर अब यहां वापस आ जाओ तो अब ये तुम्हारे बुक का ही डायग्राम ड्राग, है तो तुम चाहो तो अपने बुक के डायग्राम के नीचे लिख लो कि एक कैसा ओव्यूल है एक एनाट्रोपस ओव्यूल है ठीक है और छह और टाइप के ओव्यूल होते हैं बस उनका यही ये, ये जो डायरेक्शन है ना वो चेंज हो जाता है शिफ्ट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम है ठीक है, तो देख लेते हैं हमें पता है कि दो पो, दो एंड्स रहते हैं एक को बोलते हैं चलाजल एंड जहां से इंट बनते हैं पर पूरी तरह जाके कंप्लीट बंद नहीं होते माइक्रो पाइलर एंड पे और वहीं पे उसको क्या बोलते हैं माइक्रो पाइलर पोल बोलते हैं ठीक उसके बाद दो इंटेग्यूमेंट होते हैं अब यहां पे उन्होंने आधा डायग्राम दिया है जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट एक को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट इंटेग्यूमेंट जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद जो पोर्शन आता है उसको हम बोलते हैं न्यू न्यूसेलस और न्यू सेलस के अंदर होता है एम्रियोसाइड यही तो पूछ रहे हैं कि बताओ एबीसीडी क्या है तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले क्या था माइक्रो पाइल जिसको या तो एंड बोलो या या माइक्रोपाय माइक्रोपाइलर पोर बोलो ठीक जहां से वही जगह है तुम कंफ्यूज हो तो दो टाइप के इंटेग्यूमेंट रहते हैं इनर वाला कंप्लीट बना आउटर वाला आधा बना के छोड़ दिया तो बी क्या है इंटेग्यूमेंट मोर स्पेसिफिकली बोलना है तो तुम क्या बोलोगे आउटर इंटेग्यूमेंट सी न्यू सेलस और उसके अंदर आता है क्या तुम्हारा एम्ब्रियोसैक हुआ इतना क्लियर मूव करें आगे चलो

ठीक है और मोनोकॉट ही बेसिकली क्या है सारी ग्रासिस फैमिली है हुआ क्लियर उसके बाद देख लो एम्ब्रियोनल एक्सिस तो याद करो हमने एम्ब्रियोनल एक्सिस जैसे ये अगर ये तुम्हारा डायग्राम है यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है तो ये क्या डिसाइड करता है शूट एंड रूट टिप जो ऊपर वाला रहता है जो प्लूम्यूल रहता है वो शूट टिप आ, बनाता है और नीचे वाला जो रेडिकल है वो रूट टिप बनाता है तो एम्ब्रियोनल एक्सिस बेसिकली वो जगह है जहां से एक ऊपर के साइड में मूवमेंट होगा टिश्यूज़ का जिसको हम कुछ और नहीं बल्कि शूट पोर्शन बोलेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू है जो ओरिजिनेट हुआ है प्लूम्यूल से या फिर उसी के नीचे है एपिकोटाइल क्योंकि कॉटन के ऊपर है सिमिलरली जो नीचे के साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस है वहां पे तुमको मिलेगा रेडिकल या फिर हाइपोकोटाइल या वहीं से ओरिजिनेट होगा मेरेस्टमेटिक टिश्यू जिसमें आता है रूट हुआ क्लियर चलो आखिरी वाला देख लो रिमेन ऑफ न्यूसेलिस इन सीड ये तुम्हारे बुक में भी दिया हुआ है कि कुछ कुछ सीड्स में न्यूसेलिस परसिस्ट कर जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पेरी स्पर्म. बुक में एग्जाम्पल तक दिए हुए अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल नहीं पूछे पर इन केस सिर्फ इन चार ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन आ गया इन डिटेल एक्सप्लेन करो तो उस केस में अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल बोले हो या ना बोले हो तुम जरूर लिख के आना ठीक क्योंकि एनसीआर में स्पेसिफिकली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन से जो एक गैमिट है वो जाता है फर्टिलाइज कराता है एक के साथ जिसको सिंग गैमी बोलते हैं और दूसरा वाला है ट्रिपल फ्यूजन के लिए मतलब भले हर एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमिट है फिर भी उसमें से एक जाएगा एक uh, के साथ फर्टिलाइज करा रहे हैं और दूसरा जाएगा ट्रिपल फ्यूजन कराने ठीक मतलब दोनों का फेट अलग अलग है दोनों की किस्मत या दोनों का डेस्टिनी अलग अलग है ठीक वाई आर एट लीस्ट टेन पोलन ग्रेन एंड नॉट फाइव पोलन ग्रेन रिक्वायर्ड टू फर्टिलाइज टेन ओव्यूल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कार्पल लो हमने आंसर ही बोल दिया वो पूछ रहे हैं हमें पता है कि हर एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमिट होते हैं एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमिट होते हैं ठीक है मेल गैमिट कितने हैं दो है पर उसमें से एक जाएगा एक के साथ फर्टिलाइज कराने जिसको सिंगैमी बोल रहे हैं और दूसरा जाएगा पोलार न्यूक्लियाई के साथ कराने जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं जो बेसिकली एंडोस्पॉम या पीईएन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अब वो बोल रहे हैं बताओ ये अब देखो उन्होंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी है अब ये वाली इंफॉर्मेशन हमको पता है ठीक उसके बाद वो बोल रहे कि बताओ फिर क्यों दस ओव्यूल को फर्टिलाइज कराने के लिए हमें दस पोलन ग्रेन चाहिए और पांच से काम नहीं हो सकता ना तो टेक्निकली देखा जाए तो पांच पोलन ग्रेन एक पोलन ग्रेन के अंदर दो तो दस मेल ग्रामिट तो वैसे ही है हमारे पास पर फिर भी दस पोलन ग्रेन क्यों चाहिए क्योंकि बाबा जो दो मेल ग्रामिट है उसमें से एक मेल ग्रामिट की फेट है सिंग्यामी करना एक के साथ फर्टिलाइज करना दूसरा वाला तो एंडोस्पॉम बना रहा है मतलब अगर होगा भी तो भी वो सिंग्यामी नहीं करेगा वो किसके लिए जाएगा एंडोस्पर्म के लिए जाएगा इसीलिए इसी हमें 10 पोलन ग्रेन की जरूरत है हुआ क्लियर इतना देख ले इसका आंसर क्या है बिकॉज़ ओनली वन मेल गैमीट इज इन्वॉल्व इन सिगमी दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एक सेल हुआ क्लियर मतलब तुम भले हर एक पोलन ग्रेन में दो मेल गैमीट है पर दोनों का फाइनल काम तो अलग-अलग ही है ना कुछ हुआ क्लियर इसलिए हमको अगर दस एक्स का सिंगी कराना है तो हमको 10 मेल गैमिट चाहिए अलग अलग पोलन के क्योंकि वापस जो दूसरा पोलन जो दूसरा मेल गैमिट है वो तो इंडोस्पॉमी फॉर्म कराएगा ठीक चलो

उसके बाद वाली को क्या बोलते हैं एंडोथीशियम

वर्ल्ड लेयर थ्री मिडिल लेयर और सबसे अंदर वाली जो इसको आसपास घेरे हुए हैं जो डबल बना दी वो क्या है हुआ क्लियर इतना उसके बाद okay. आ, और बा, बाहर की तीन layers है लेन और मिडिल प्रोटेक्शन कर, कर रही है और हेल्प करिए रिलीज पोलन ग्रीन ठीक उसके इनामोस्ट इनामोस्ट जो लेयर है जिसको हम टेपेटाम बोलते हैं उसका काम ही है क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करना या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना और अंदर जो शेडेड डॉग है वो क्या है स्पोरोजिनस टिश्यू ठीक जो सेंट्रल पोजिशन पे ऑक्यूपाई कर रहा है चलो वही डायग्राम उन्होंने ड्रॉ करके ये देखोटम चौथी वापस एक क्वेश्चन आया था फिर से पूछ रही हूँ जल्दी बताओ कुछ स्पीशीज में टेपिटम परसिस्ट कर जाता है उसको क्या बोलते है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ा अपन ने उसको क्या बोलते हैं और उसके एग्जाम्पल्स भी मेरे को चैट बॉक्स में आंसर लिख के देना ठीक चलो तो ऐसे ही बार बार रिवाइज करना थोड़ा सा पढ़ो पीछे का जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो ठीक है चलो आगे मूव करें तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन क्या बोल रहा है वाई पोलन ग्रेन कैन रिमेन वेल प्रिजर्वड एज फॉसिल अरे देखो जब पहला या दूसरा ही क्वेश्चन आया था ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था ग्रेन में दो पोर्शन होते हैं अंदर वाले को इंटाइन बोलते हैं बाहर वाले को एग्जाइन बोलते हैं एक्साइन बना होता है केमिकल से जिसका नाम है स्पोरोपोलिन वो स्पोरोपोलिन ही है जो उसको रेजिस्टेंट बनाता है एक्सट्रीम टेम्परेचर से हीट हो कोल्ड हो केमिकल हो और साथ में फॉसिल जैसे फॉसिल के फॉर्म में भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है वही आ गया क्वेश्चन कि बताओ ऐसा क्या है पोलन ग्रेन में तो बोलते रहे इतने देर से स्पोरोपोलनिन स्पोरोनिन देख लेते हैं पोलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्वड एज फॉसिल बिकॉज द एग्जाइन है ना ऑफ द पोलन इज कम्पोज ऑफ अ केमिकल स्पोरोपोलनिन विच कैन विथ स्टैंड विस्थ, हाई टेम्परेचर स्ट्रोंग एसिड एंड अल्कलाइन एंड स्ट्रॉन्ग एनजाइन हुआ क्लियर इतना अच्छा वापस एक और क्वेश्चन जल्दी बताओ इसी एग्जाइन में एक लोकेशन ऐसी है जहां पे नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बोलते हैं उससे 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 क्या निकलता है पोलन है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता बहुत बढ़िया आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हाउ आर द सेल्स अरेंज इन एम्ब्रियो सैक वो एम्ब्रियोसैक बताओ एम्ब्रियो सैक में कैसे अरेंजमेंट रहता है मतलब सीधे सीधे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो हमें पता है वापस एम्ब्रियो सैक कैसा है सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर है मेजोरिटी है ना उसमें से सेवन सेल कौन से आए चलाजल एंड पे होते हैं तीन एंटीपोडल जिनकी प्लॉडी रहती है एन ठीक फिर आते हैं माइक्रोपाइलर एंड पे होता है एग एपैरेटस जिसमें आता है दो सिनर्जिट जिसके अंदर होते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस और एक एक्सेल जिनकी भी प्लॉडी होती है एंड सेंटर में आता है ये वाला जो तय बच गया ना सेंट्रल सेल

चलो क्वेश्चन नंबर थर्टीन वाई आर इन वेरिएबली ऑटोगैमस पूछ रहे बताओ जो फ्लावर है वो ऑटोगैमी क्यों शो करते हैं याद करो मैंने बताया था ये वन मार्कर में भी क्वेश्चन था याद कैसे करोगे ये क्या है फिस्ट है ठीक है तो सेम ऐसे ही कैसे है बंद है है ना तो उससे याद करोगे कि क्लस्टोगैमस फ्लावर कैसे रहते हैं बंद ही रहते हैं ऐसा फूल जो कभी खिलेगा ही नहीं तो अंदर के अंदर ही एंड्रोशियम गाइनोशियम मेच्योर हो जाएगा और अंदर ही क्या हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन का तो स्कोप ही नहीं है बाबा

मूव करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर स्टेट एनी वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन टू ह्यूमंस तो बाबा एडवांटेज तो बहुत सारे हैं तुम्हारी बुक में भी दिए हुए हैं कि कुछ लोग एज अ सप्लीमेंट खाते हैं पोलन ग्रेन को जिससे उनका स्टेमिना uh, बढ़े या एनर्जी फूड मिले है ना जो बोलते हैं एकदम एक्सट्रीम फूड में भी आता है और डिसएडवांटेज ये है कि एलर्जीज भी होती है पोलन ग्रेन की लोग खास छींकना शुरू कर देते हैं लाल हो जाते हैं ठीक है तो चलो देखो आंसर तो देखो क्या है एडवांटेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे देशों में जनरली डेवलप देशों में या वेस्टर्नाइज देशों में पोलन को एज अ सप्लीमेंट मानते हैं ठीक है जिससे एनर्जी मिलती है स्टैमिना बढ़ता है तो देख लो पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिय एंड देर फोर इन दे वेस्टर्न वर्ल्ड पोलन टैबलेट्स आर यूज एज फूड सप्लीमेंट तुम्हारे एनसीआरआर में तो एक डायग्राम भी दिया हुआ है कि जिसमें पोलन की टैबलेट्स का पिक्चर दिया हुआ है ठीक है आएगा नहीं वो डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है चलो डिसएडवांटेज क्या है हम बता चुके हैं कि क्या होता है पोलन से एलर्जीज होती हैं। अब देखो एलर्जी हुई जैसे पोल ग्रेन केस नाक में चला गया है ना तो लोग खांसने लगे छींकने लगे लाल हो गए पर अगर यही चीज़ कंटिन्यू कंटिन्यूसली होती रही मतलब प्रोलोंग्ड होती रही तो होता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये चला जाता है तुम्हारे एलवेलाई वाली जगह पे या फिर ब्रोंकिस वाली जगह पे और रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज हो सकता है तो यही है उन्होंने पूछा कि बताओ क्या डिसएडवांटेज डिस 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 है

कौन कौन सा जल्दी बताओ पेटल्स कैसे होने चाहिए कलरफुल क्योंकि करना है ना दूसरा फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए तीसरा सुगंध अच्छी होनी चाहिए ठीक है और चौथा रिवर्स में कुछ बदले में देना तो पड़ेगा नेक्टर आई बात समझ में और एक और चीज लैंडिंग पैड होना चाहिए याद रखो ये है हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्वेश्चन है तुम्हारे प्रैक्टिकल के स्पॉटिंग का एक स्पॉट तो आना ही वाला है ये हाँ यहाँ वो ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे वो क्या करेंगे फूल रख देंगे अगर उन्होंने हिबिस्कस का फूल रखा ठीक है अगर उन्होंने सनफ्लावर रखा अगर उन्होंने रोज रख दिया कोई भी फ्लावर रख दिया जो नॉर्मल फ्लावर कलरफुल फ्लावर है ठीक है तो वो कौन सी कैटेगरी में आता है वहां जाके ये क्या ना? कि का फूल है नहीं, ये ही नहीं है क्या पूछा है कि कौन से कैटेगरी कौन सा एजेंट यूज हो रहा है इस फ्लावर के पॉलिनेशन में याद रहेगा मूव करें आगे चलो देख लेते हैं उसका आंसर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटेमोफिलिस flower include petal and sepal well developed with attractive color to invite insect flowers are normally bigger in size with strong odor याद रहेगा देखो अब चार पाँच है उसमें से दो लिखे हुए हैं पर हाँ तुम्हारी स्पॉटिंग में तुम्हें पूरे चार लिखने पड़ेंगे अब टाइम नहीं रहेगा और ड्रॉ भी करना पड़ेगा तो तुम पेंसिल और पेन के चक्कर में मत जाना दो मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगी कि प्रैक्टिकल में वाइवा के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं जैसे प्रिपरेशन करनी है स्पॉटिंग में क्या आएगा कैसे तुम कोई भी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करोगे ठीक अपना टाइम कैसे सेव करोगे मैक्सिमम आउटपुट कैसे दोगे क्योंकि टाइम तो कम रहता है तो अभी बता देती हूँ जब भी स्पॉटिंग के क्वेश्चन आए पेंसिल के पीछे मत पड़ो पेन उठाओ पेन से ही ड्रॉ करो पेन से लेबल कर दो और पेन से ही सारे पॉइंट्स लिखो ठीक क्योंकि एक ही मिनट है एक स्पॉट के लिए

जो फ्लावर है जो क्लस्ट्रोगाम फ्लावर है वो कभी ओपन होंगे क्या नहीं होंगे जब ओपन ही नहीं होंगे तो उनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा सेल्फ ही होगा यानी कि ही होगी बाकी तो कोई चांस ही नहीं है हाँ. बट फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है क्रॉस भी हो सकता है बिकॉज वो फ्लावर ब्लूम करते हैं ओपन होते हैं याद रहेगा है? चलो देख लेते हैं आंसर वापस देखो डिफरेंस है तो हमने क्या किया टेबल बनाया द फ्लावर आर कॉन्स

कौन सा पॉलिनेशन होगा ऑटोगी ही होगी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा याद रहेगा चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे विच टाइप ऑफ पोलिनेशन एंश्योर द अराइवल ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा देख सकते हो ये कितनी बार क्वेश्चन आया है और इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के अजर्शन रीजन के फॉर्म में बहुत अच्छे से पूछा जा सकता है ठीक है क्यों अजर्शन दे दिया ये पूरा विच uh, नहीं आएगा अब वो आंसर जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो अजर्शन में आएगा रीजन में बिकॉज लगा कि उसका रीजन आ जाएगा ठीक है तो ये आ सकता है तुम्हारे सेक्शन ए में दो मैंने यहाँ पे टू मार्कर्स लिखा है वापस ये क्वेश्चन ऐसे लॉजिक में रिटर्न सब्जेक्टिव में थोड़े कम चांसेस हैं पर आ सकता है रिस्क क्यों उठाना बाबा ठीक है पर कहा आ सकता है ज्यादा एमसीक्यू में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव uh, में अजर्शन रीजन बाकी भी कहीं नहीं आएगा अजर्शन रीजन में आएगा क्योंकि रीजनिंग वाला है तो क्वेश्चन ये पूछा है कि बताओ कितने कौन सा टाइप का कितने नहीं कौन से टाइप का पॉलिनेशन इंश्योर कराएगा कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो या वेरिएशन हो तो याद करो कितने टाइप के पोलिनेशन पढ़ चुके हो तुम तीन टाइप के कौन कौन से पहले वाला ऑटोगैमी जो प्योरली सेल्फ पॉलिनेशन ही है दूसरा वाला जियोटनोगी जो एक तरीके से देखा जाए मतलब टेक्निकली देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन है क्यों वापस क्योंकि एक ही फ्लावर के सॉरी एक ही प्लांट के वापस मैं ड्रॉ कर देती हूं देखो सबसे पहले इस पे आते हैं ना ऑटोग्रामी में क्या है कि ये एक प्लांट है ठीक है यहां पे ये फूल है और ये दूसरा फूल है ठीक तो ऑटोग्रामी में क्या होगा एक ही फूल का जो स्टैमिनेट और पिस्टिलेट के बीच में इंटरक्शन होगा और पोलिनेशन होगा तो उस वो किस में आएगा देखो मतलब खुद ब खुद जियोटोनगामी में एक ही प्लांट है उसके एक फ्लावर का स्टेमिनेट और पिस्टिलेट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो ये हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन फ्लावर के कंटेक्स में क्योंकि एक फ्लावर है और दूसरा फ्लावर है बट टेक्निकली देखा जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोल रही हूं मैं? क्योंकि एक ही प्लांट है एक ही प्लांट है तो दोनों फ्लावर का जेनेटिक मेकअप सेम है जेनेटिक मेकअप सेम है, तो कोई वेरिएशन आने का चांस है नहीं, इल्ले। और आखिरी वाला कौन सा है जीनोगी या बहुत बार इसी को बोलते हैं ऑलोगी तो इसमें क्या होगा इसमें एक फ्लावर एक प्लांट है और ये रहा तुम्हारा दूसरा प्लांट और एक फ्लावर के आंतर और दूसरे फ्लावर के पिस्टलेट के बीच में क्या होगा इंटरेक्शन होगा तो हाँ जो आखिरी वाला है जीनोगी या फिर ओलोगी ये है रीजन किसका जेनेटिक वेरिएशन का या जेनेटिक मॉडिफिकेशन का या मॉडिफिकेशन है बोलते वेरिएशन ही ज़्यादा करेक्ट है बोलना कि कुछ नया क्रिएट होगा देख लेते हैं आंसर इन जीनोग्रामी पोलन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लांट ऑफ अ सेम स्पीशीज द स्टिग्मा एंथस इंश्योर द अराइवल ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन ऑन टू द स्टिग्मा रिजल्ट क्या होगा कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दिखेगा वेरिएशन दिखेगा नई वेराइटी भी हो सकती है और यही बेस होता है हाइब्रिडाइजेशन का याद आया पर हां जो फार्मर लोग हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं वो दो स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं जिसका नाम है ई मैस्कुलेशन और बैगिंग याद रहेगा चलो मूव करते हैं आगे चलो क्वेश्चन नंबर एटीन वॉट रिलेशनशिप एग्जिट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड यू प्लांट स्टार मार्क करो क्यू मार्क करो स्टार ये था पिछले साल का सीबीएसई वाला क्वेश्चन क्वेश्चन तो नहीं था पर उसके क्वेश्चन uh, दूसरा पूछा था समझो बात को प्लीज स्टार मार्क करो ये पिछले साल का ही है 2000 अभी 22 23 मतलब 21 22 का क्वेश्चन है ठीक है कुछ महीने पहले ही हुआ पेपर्स चेक करते समय हमें यही आंसर देखने को मिला अब बोलोगे मैम ये आंसर देखने को मिला पर तुम अब तुम्हारे मन में जेनुअन डाउट आ जाएगा मैम पर जो आ, हम बोल सकते हैं कि जो आ, टर्म टू है उसमें तो ये चैप्टर आया ही नहीं था नहीं आया था ना कौन बोल रहा है ये वाला वापस युक्का और मौत और युक्का प्लांट का जो रिलेशनशिप है ये फिर से तुम पढ़ोगे इसी साल आखिरी के जो चार चैप्टर है ना इकोलॉजी के अंदर वहां पे पढ़ोगे तो ये वाला बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये आंसर लिखा था तुम्हारी बुक में पैरास जो एग्जाम था उसमें पैरासिटिज्म या फिर सिम्बायोसिस का रिलेशन पूछा गया था ठीक है तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स ने ये वाला एग्जाम्पल दिया था ठीक है तो देखो एक ही आंसर है पर उसका रिलेशन अलग अलग जगह है मतलब आंसर तुम एक एक वही मैं बोल रही ना कि टॉपिक है दो अलग अलग जगह पढ़ रहे हो बुक के अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सब टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये वाला रिलेशनशिप यहां भी पढ़ोगे फिर से कहा पढ़ोगे तुम्हारे इकोसिस्टम वाले चैप्टर में जहां अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है पिछले साल ही एग्जाम्पल में लिखा था चलो तो देख लेते हैं किस टाइप का रिलेशनशिप है एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन मॉथ एंड यूका प्लांट द मॉथ डिपॉजिट इट एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड इन टर्न पॉलिनेट पॉलिनेट द फ्लावर ऑफ द प्लांट द लार्वे डेवलप फ्रॉम द एग एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है ये एक नाम है इस रिलेशनशिप का जो पूछा गया है तुम्हारे बुक में इतना सा बस एग्जाम्पल दिया है पॉलिनेशन के अंदर पर ये रिलेशनशिप का नाम तुम कहां पढ़ोगे वापस आखिरी वाले यूनिट में ठीक है तो जरा स्टार मार्क करके लिख लो इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या बोलते हैं उसको म्यूचुअलिज्म ये वापस तुम पढ़ोगे इकोलॉजी वाले यूनिट में तो क्वेश्चन जो आया था सीबीएसई जो अभी एग्जाम हुई उसमें उसमें उन्होंने पूछा था कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल दो तो बहुत सारे एग्जाम्पल है उसमें से एक एग्जाम्पल क्या है युग और मौत का रिलेशनशिप तो वो भी सही है अब देखो वो कहां पूछा है वो तो वहां भी वही पढ़ोगे यहां भी वही पढ़ोगे अंतर इतना है कि यहां पे इस चैप्टर में इसका कोई नेम नहीं दिया हुआ है उस चैप्टर में उस ये पूरे रिलेशनशिप का नाम दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो बॉस ऐसा है कि दोनों जगह पूछा जा सकता है और सिंस तुम्हारे एग्जाम में ये चैप्टर भी आ रहा है वो चैप्टर भी आ रहा है तो जब एग्जाम में लिखोगे तो तुमने अगर टर्म नहीं लिखा देखो यहां पे मैंने टर्म का यूज नहीं किया है क्योंकि इस चैप्टर में तुमने टर्म नहीं पढ़ा है पर एग्जाम में बोर्ड में तुमको वो टर्म लिखना पड़ेगा रीजन मैंने बताया ना क्या है क्योंकि तुम ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड मान के चल रहा है कि तुम ये चैप्टर पढ़ चुके हो ठीक तो कैसा रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म का वापस मैंने लिखा नहीं है पर मैं बता रही हूं ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसको हम बोल सकते हैं गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ठीक है पर इसमें ये एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड है जैसे अब एकदम सीधा सीधा तरीके से अगर समझाना है तो सपोज करो तुम्हारे घर में एक रूम एक्स्ट्रा है ठीक है तुमको पैसे की जरूरत है तो तुमने क्या बोला कि चलो किराएदार रख लेते हैं तो और जो किराएदार था उसको घर की जरूरत थी तो उसने क्या किया तुमको पैसे दिए और घर रहने के लिए घर मतलब घर रूम पे रहने लगा सिमिलरली तुमको पैसे मिल गए और जो खाली रूम पड़ा था तुमने उसको किराए पे चढ़ा दिया मतलब क्या हुआ दोनों को फायदा हो रहा है ठीक तो यहां पे भी युक्का और मौत के साथ कुछ ऐसी ही कहानी हो रही है युक्का प्लांट को पॉलिनेशन करवाना था ठीक और मौत को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पे वो ओवी पोजीशन कर सकते या मतलब बोल सकते कि अंडे देने थे उसको उसको ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां वो अपने अंडे दे सकता है तो क्या हुआ इस युक्का प्लांट ने अट्रैक्ट किया मौत को मौत आके जगह ढूंढ रहा है कहाँ अंडे दिए जाए भैया कहाँ अंडे दिए जाए

डब्ल्यू एस पी का एग्जाम्पल यहाँ नहीं पढ़ोगे वहीं पे पढ़ोगे तो दो एग्जाम्पल तुमको याद हो जाने चाहिए जब वो वाला चैप्टर पढ़ोगे म्यूचुअलिज्म के अंदर एक है युक्का और मौत वाला और दूसरा है फिगैन वैस्प वाला याद रहेगा चलो आगे मूव करते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 डिफरेंशिएट बिटवीन जिओटोनोगैमी एंड एलोगैमी मतलब सीधे-सीधे एलोगैमी -सीधे का दूसरा नाम ज़िनोगैमी डिफरेंशिएट करना है तो क्या करोगे एक टेबल ड्रॉ होगी जिओटोनोगैमी मतलब क्या होता है जल्दी बताओ टाइप का तो क्रॉस पोलिनेशन है बट टेक्निकली देखा जाए जेनेटिकली देखा जाए तो जेनेटिक मेकअप तो दोनों फ्लावर का क्या रहेगा सेम रहेगा क्यों क्योंकि एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर हैं तो जेनेटिक मेकअप तो सेम है भैया ठीक है बस हुआ क्या कि इस फ्लावर का पोलन उड़ के आए और इस फ्लावर के जो फीमेल पार्ट है, है वहां जाके अटैच हो गए तो ऐसा देखा गया तो एक फ्लावर दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है इसलिए ये तो है क्रॉस पोलिनेशन बट जेनेटिकली देखा जाए तो दोनों का मेकअप सेम है तो कोई वेरिएशन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा सिमिलरली है उसी का दूसरा नाम क्या है वो किसके बीच में होता है? एक फ्लावर एक प्लांट का और दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट का जो जेनेटिकली अलग अलग है बस यहां से उड़के आया और यहाँ के सिग्मा पे बैठ गया पॉलिनेशन हो गया तो इसको क्या बोलेंगे हम जीनोगी बोलेंगे इसमें जेनेटिक वेरिएशन के हाई चांसेस है याद रहेगा चलो देख लेते हैं आंसर तो जियोटनोगी और ऑलोगी एलोगी इट टेक्स प्लेस बिटवीन एंथर एंड पिस्टल ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट सेम प्लांट बोलना इंपॉर्टेंट है ठीक है इट टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज यहाँ पे बाई फ्लावर आर एसेंशियल फॉर जियोटनोगी ठीक है यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर आर एसेंशियल देखो जीनोगैमी या एलोगी तभी होगी जब एक प्लांट में एक ही पार्ट प्रेजेंट हो मतलब या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट हो या तो गाइनोशियम प्रेजेंट हो ठीक तो यहां से पोलन उड़ के आए अगर एक बात बताओ आप बोलो कि मैम यूनिसेक्सुअल क्यों बाइसेक्शुअल भी तो हो सकता है हो सकता है पर बायोसेक्सुअल होगा तो हाई चांसेस होंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो जाएगा फिर तुम्हारा एलोगी या जीनोगी नहीं हो पाएगा इसलिए मैंडेटरी है कि जीनोगी के लिए नेचुरली है ना क्या होना चाहिए कि एक में एक ही पार्ट प्रेजेंट हो ठीक है दूसरा भी हो सकता है ऐसा नहीं है क्योंकि अभी एक और तुमने टॉपिक पढ़ा हुआ है बहुत बार जैसे फ्लावर है बाई है या मोनोइश है यानी कि दोनों जेंडर उसमें प्रेजेंट है पर उसने अलग अलग तरीके ढूंढ लिए कि खुद में सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो ये भी पॉसिबल है इस वाले केस में कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट है बट उसने कुछ कुछ तरीके जो ढूंढे हैं उस वजह से क्या होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड कर रहा है और उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है ठीक अगला डिफरेंस प्रोजेनी डू नॉट शो देखो कोई वेरिएशन नहीं निकलेगा क्यों क्योंकि जेनेटिकली तो ये प्योर ही रहेंगे एग्जैक्ट है एक दूसरे के बट वही यहां पे प्रोजेनी शो वेरिएशन एंड आर जेनेटिकली इम्प्योर याद रहेगा ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है तुम देख सकते हो इस टॉपिक से एक तो पॉलिनेशन पे बहुत क्वेश्चंस आए

चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ एलएस ऑफ एन एनाट्रोपस ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स वो पूछे डायग्राम बनाओ एक ओव्यूल का कैसा एनाट्रोपस अब बोलोगे मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं आपने भले बताया था कि नीट के लिए या ग्रेजुएशन लेवल पे तुम पढ़ोगे कि ओव्यूल छह टाइप के होते हैं एनाट्रोपस हेमीट्रोपस हां तब पढ़ोगे अब तुम्हारी बुक में कौन सा वाला दिया ही दिया हाँ, ये अलग बात है हुआ सिंपल -सिंपल है ओबील का स्ट्रक्चर तो जो तुम्हारी बुक में, तुम बनाओ। ठीक है? चलो तो क्या क्या पूछा है उन्होंने उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला और ये सारी चीजें ड्रॉ करने बोली है तो अगर याद करो हमें पता है दो एंड्स होते हैं एक एंड से जहां से डिवीजन सेल डिवीजन स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं चलाजिल एंड वहीं से सेल डिवाइड करते करते पूरा क्रॉस करते बस एक जगह वहां पे क्लोज नहीं हो पाते वहां पे छोटा सा स्पेस रह जाता है पोर रह जाता है तो उसको क्या बोलते हैं माइक्रो पाइलर एंड और ये जो सेल डिवाइड कर रहे हैं इतनी देर से जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट्स एक को बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट्स एक को बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट्स याद आया उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है जो जो वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं न्यू सेलस और उसके अंदर रहता है हमारा एमरियोसैक ठीक है अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये माइक्रो पाइलर एंड है तो माइक्रो पाइलर एंड कौन सा हुआ जहां से क्या एंटर करता है पोलन ट्यूब एंटर करती है और पोलन ट्यूब जहां से एंटर करती है वहां क्या होता है एग अपैरेटस दो सिन जिसमें रहेंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस एक एक्सल ठीक है बीच में दो पोलर न्यूक्लिया और जहां चलाज एंड रहेगा वहां पे क्या होगा तीन एंटीपोडल्स होंगे याद आया यही तो पूछा है तो देख सकते हो ये डायग्राम भी कितनी बार पूछ लिया याद रखो वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं वो ओव्यूल का डायग्राम पूछ रहे हैं तब ये वाला डायग्राम बनेगा जब वो एम्ब्रियो सैक बोलेंगे तो जो मैंने अंदर ड्रॉ किया तब वो वाला डायग्राम बनेगा प्लीज क्लियर रहना तो चलो देख लेते हैं आंसर यही डायग्राम है तो वापस उन्होंने अब देखो उन्होंने इन जनरल बोला पर उन्होंने बोला कि पर्टिकुलरली ये ये वाले पार्ट लेबल होने ही चाहिए है ना तो हमने स्टार्ट कहां से किया था चलाजेलैंड से याद करो मैंने बोला था कि चलाजेलैंड से स्टार्ट होती है कहानी जो वहां पे सेल डिवाइड करते जाते हैं करते जाते हैं बस एक पर्टिकुलर जगह पे क्या होते वो कंप्लीट नहीं हो पाता थोड़ा स्पेस छूट जाता है उनके बीच में तो वही थोड़ा जो स्पेस छूटता है उसको और कुछ नहीं बल्कि क्या बोलते हैं माइक्रो पायलर एंड और जो दूसरा वाला है वो क्या है चलाजल एंड जो ये सेल डिवाइड करे उनको क्या बोल रहे हैं हम इंटेग्यूमेंट दो टाइप के इंटेग्यूमेंट्स है आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट और ये रहा तुम्हारा माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर पोल ये चलाजलपोल ठीक फिर जो बीच में स्पेस आता है उसके बाद उसको क्या हम बोलते हैं न्यूसल बोलते हैं और बीच में आता है तुम्हारा क्या एम्ब्रियो सैक तो याद रखो ये पूरा जिसमें एम्ब्रियो सैक बीच में और ये सारे एक्स्ट्रा लेबलिंग्स है वो है तुम्हारा ओव्यूल का डायग्राम और अगर सिर्फ ये बनाते जिसको मैं शेड कर रही हूँ ठीक है जिसके अंदर तुम ये ड्रॉ करते क्या बोलते हैं ये ऐसा ड्रॉ करते आंटी बोडल ड्रॉ करते ड्रॉ करते ओहो हम्म ये एंटीपोडल ड्रॉ करते सिनर्जिट्स ड्रॉ करते एक अपैरेटस ड्रॉ करते आ, सिनर्जिट्स के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस ड्रॉ करते सेंट्रल सेल ड्रॉ करते पोलर न्यूक्लियर ड्रॉ करते तो ये होता है मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जो क्या है सेवन सेल एट न्यूक्लियेटेड, याद रखो क्योंकि तुम लोग को याद तो सब कुछ रहता है प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कोई ऐसा डायग्राम देखते हो ना देखो अब ये पढोगे और सेवन सेल एट न्यूक्टेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आना बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके आओगे और जब हम चेकिंग करने बैठेंगे तो बोलेंगे ओ नो क्या पूछा था क्या ड्रॉ करके आए तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो देखो याद रखना है अगर उन्होंने बोला माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो तुम कौन सा ये वाला ड्रॉ करके आओगे जिसमें लेयर स्पोरोजिनस टिश्यू ठीक है और फिर उसके बाद अंदर और बाहर टेपेटम इतना सब ड्रॉ करके आओगे अगर उन्होंने बोला मैच्योर सैक वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर उस केस में क्या करोगे ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे कुछ आ रही है कहानी समझ में अच्छा अगर उन्होंने बोला कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो फिर क्या क्या करके आओगे ड्रॉ अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर जो अभी थोड़ी देर पहले किया ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे ठीक है आया क्या समझ में अच्छा अगर उन्होंने बोला कि माइक्रोस्पोर टेट्र का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो भी यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओगे इक्रोस्पोरजियम का टेट्रा टेट्रागोनल अरेंजमेंट टेट्राड का तो वापस यही स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओगे पर अगर उन्होंने बोला कि मेगा टेट्राड टेट्राइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आओ तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा जिसमें न्यूसेलस है ठीक है याद आया और जिसमें चार टेट्राइड बनते हैं तीन डी जनरेट हो जाते हैं ऊपर वाला बस रह जाता है और फिर वो डेवलप होता है ठीक तो याद रखना है कौन सा स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं में भी कुछ भी आंसर लिख के नहीं आना है ठीक चलो देख लेते हैं इनका आंसर तो ये रहा तो इसमें तुम्हें क्या क्या मार्क करना है हाइलम इंपॉर्टेंट है फ्यूनिकल इंपॉर्टेंट है माइक्रोपेल तो है ही फिर इंटेग्यूमेंट्स हो गए न्यूसिलस हो गए एम्ब्रियोस है चलाजिल पोर ठीक चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पे वाई इज प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट रेफर टू एज डबल फर्टिलाइजेशन देखो ये कुछ कुछ जो मेन टॉपिक्स है उसमें से एक टॉपिक है क्यों बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि एक साथ दो चीजें फर्टिलाइज हो रही है कौन कौन सी जल्दी बताओ ये हुआ तुम्हारा मेच्योर एम्ब्रियोसैक उसके माइक्रोपाइलर एंड से क्या एंटर किया तुम्हारा तुम्हारा नहीं मतलब पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब पोलन ट्यूब में है दो मेल गैमिट्स जैसे ही में एंटर किया तो फिलिफॉर्म अपैरेटस ने उन मेल गैमिट्स को गाइड किया एक को भेजा किसके पास एक्स एल के पास ताकि दोनों एन एन मिलके क्या बने टू एन बने और साथ में क्या बनाए जाइगोट बनाए याद रहेगा उसके बाद दूसरे वाला जो मेल न्यूक्लियस उसको किसके पास भेजा सेंट्रल सेल में जो दो पोलार न्यूक्लियाई हैं तो वो तीनों मिलके तीन एन 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 मिलके क्या बनाए थ्री एन बनाए या फिर पीई एन बनाए इसी को ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं और दोनों जगह फ्यूजन हो रहा है तो उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और ये रहे तुम्हारे एंटी

चलो मूव करते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी टू पे ड्रॉ डायग्राम ऑफ मेच्योर अब देखो मेच्योर सैक बोला है तो इतने देर से हम वो बना रहे थे वही वापस बनाना है कौन सा एक्सेल बनाओगे पहले तो एक सर्कल बनाओगे उसके बाद क्या बनाओगे जल्दी बताओ एक को लिखोगे माइक्रोपाइलर एंड एक को लिखोगे चलाज एंड एंड पे क्या बनाओगे तीन एंटीपोर्डल सेल जिनकी प्लॉडी क्या है सबकी एन 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 ठीक माइक्रो पे दो बड़े बड़े सेल्स बनेंगे जो क्या है तुम्हारे सिनोजिट्स सिनोजिट्स के अंदर क्या है फिलीफॉर्म अपेटिस जो क्या करते हैं गाइड करते हैं मेल न्यूक्लिया को ठीक है उसके पीछे क्या देखेगा एक्स सेल जिसके साथ मेल एक मेल पहला वाला मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाएगा, बनाएगा टू एन बनाएगा बीच में आएगा क्या सेंट्रल सेल उसके क्या है दो पोलर न्यूक्लियाई है जिनका प्लॉइडी लेवल क्या है एन और एन यहीं पे आके दूसरा वाला जो मेल गैमिट है वो फ्यूज होगा बन जाएगा थ्री फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पम या प्राइमरी एंडोस्प न्यूक्लियस जो ट्रिप्लॉइड रहेगा याद रहेगा चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मैं टू स्ट्रैटेजीज फ्लावर एवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन बढ़िया क्वेश्चन लीड दिलवाने वाला क्वेश्चन स्टार मार्क करो मेजोरिटी स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे बट तुम सही करके आओगे क्यों मेजॉरिटी स्टूडेंट गलत करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट सिर्फ इतना देखेंगे प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन बाकी कुछ नहीं देखेंगे बाबा सेल्फ पॉलिनेशन तो पूछा है कि कैसे प्रिवेंट करें पर ये पूछा है साथ में कि फ्लावर खुद कैसे सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करे ना कि ये लिखा है कि फार्मर कौन सी टेक्निक यूज करता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कराने के लिए समझो बात को जैसे तुमने क्वेश्चन पढ़ा तुमने बस इतना देखा नहीं अब तुम तो ये पढ़ रहे हो मेजोरिटी क्वेश्चन क्या देख स्टूडेंट्स uh, क्या देखेंगे कि लिखा है प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन बस वो लिख के आ जाएंगे इसमें तो लिखना ई बैगिंग e गलत पूरा गलत है क्यों क्योंकि वो तो टेक्निक है जो फार्मर कर रहा है क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ फ्लावर कौन सी टेक्निक से या फ्लावर ने कौन सी मेथड है कि वो खुद तो बाई सेक्शुअल है, यानि मोनो है यानि बीच में कोई इंटरक्शन ना हो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो ये क्वेश्चन है तो वापस दो तीन तरीके उसमें से तो दो तरीके पूछे तो देख लेते हैं आंसर सबसे पहला तरीका को हम क्या बोलते हैं तो क्या बोलते हैं उसको डाइकोगामी और सेल्फ स्टेरिलिटी अब सेल्फ स्टेरिलिटी को ही तुम्हारी बुक में सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी भी लिखा हुआ है या कुछ कुछ अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक में भी सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी लिखा रहता है तो दोनों का मतलब एक ही है घबराना नहीं है तो चलो पहले तो देख लेते हैं कि डाइकोगैमी क्या है इन दिस टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ अक्शुअल फ्लावर मेच्योर एट डिफरेंट टाइम देखो ये दिया हुआ है तुम्हारे बुक में मतलब मेच्योरेशन का टाइम अलग अलग है फ्लावर ब्लूम तो हो गया ओपन तो हो बट उसमें से आंथर वाला जो पोर्शन है वो थोड़ी देर बाद मेच्योर हुआ पहले जो गाइनोशियम वाला पोर्शन है ना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मेच्योर हो गया तो मेच्योर होके भी सिंस इसी फ्लावर का जो आंथर है मतलब समझो बात को सपोज करो ये फ्लावर है तुम्हारा ठीक है ज्यादा ही पिस्टिलेट बन गया रुको वापस ऐसे बनाते हैं ठीक स्टाइल स्टिग्मा ओवरी और ये रहा एंथर ठीक, बाकी भी है बाकी मैं थोड़ा सा बस बैकग्राउंड में बना रही हूँ ये तुम्हारा हो हो गया, ये हो गया, ठीक, आगे, अब सपोज करो ये फ्लावर है, अब मैं ये बोल रही हूँ कि इस फ्लावर का जो मेल पार्ट है यानी कि एंथर वाला जो पोर्शन है ये हटा देते ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये सब इतनी सारी लाइन क्यों ड्रॉ कर ली मैम देखो तो मैं ये कह रही हूँ कि सपोज करो ये फ्लावर मोनो है यानी कि मोनो यानी दोनों ऐसे याद रखोगे बायसेक्सुअल है अब मैं ये नहीं चाहती इसमें हाई चांसेस है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए पर मैं नहीं मतलब फ्लावर खुद नहीं चाहता कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो ठीक है अब क्या करेगा वो तो एक साथ फ्लावर खुल तो गया ब्लूम तो हो गया पर पता चला कि पहले जो इसका फीमेल वाला पोर्शन है वो पहले मेच्योर हुआ और बाद में मेल वाला पोर्शन मेच्योर हुआ अब सपोज करो पहले फीमेल वाला पोर्शन मेच्योर हुआ तो जो आंथर था वो अभी भी बंद ही थे ठीक है इसके मतलब आंथर ओपन नहीं हुआ था पोलन सैक ओपन नहीं हुए थे पोलन ग्रेन्स अभी भी निकल नहीं रहे थे एज इट इज थे बस जो इसका स्टिग्मा है वो एक्टिव हो गया पहले ही मेच्योर होके और विंड के थ्रू या वॉटर के थ्रू या फिर वॉटर तो नहीं विंड के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू इंसेक्ट्स के थ्रू बर्ड्स के थ्रू दूसरे वाले स्पीशीज का या सेम स्पीशीज का पर दूसरे वाले फ्लावर का पोलन ग्रेन उड़ के आया यहाँ आके बैठ गया पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया पूरा फर्टिलाइजेशन भी बस प्रोसेस में है होने को है ठीक है जब तक मतलब पोलिनेशन तो हो गया जैसे ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है सारी प्रोसेस शुरू हो गई फिर उस टाइम के बाद क्या हुआ एंथर मेचोर हुआ फिर वो एंथर ओपन हुआ उसमें से पोलन ग्रेन निकले और अब क्या होगा अब अगर ये पोलन ग्रेन उड़ के इस वाले स्टिग्मा पे गए भी तो भी क्या होगा कि ऑलरेडी पॉलिनेशन हो चुका है तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है अगर उड़ के गए भी क्योंकि प्रोसेस तो हो गई ये तो खत्म होने के लिए आई बस फिर ये क्या होगा एक या दो दिन मैक्सिमम रहेंगे अब यहाँ के पोलन ग्रेन उड़ के किसी दूसरे वाले फ्लावर में जाएंगे हुआ क्लियर तो ये क्या किया कि फ्लावर नहीं जो मैचोरेशन का टाइम है यानी कि मेल पोर्शन और फीमेल पोर्शन के मेच्योरेशन का टाइम है वो अलग अलग कर दिया टाइम ही अलग कर दिया भले एक ही जगह है पर जब जब टाइम ही अलग अलग होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होगा हुआ क्लियर दूसरा आता है सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनक इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि अगर इन केस यहाँ का पोलन ग्रेन उड़ के यहाँ आ भी गया तो खुद स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा थ्रू केमिकल मेथड्स वो बोलेगा नहीं सेम इसके हम लेंगे नहीं उसको डेवलप ही नहीं होने देंगे मतलब पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन ही रोक दिया जाएगा हुआ क्लियर देख लेते हैं पोलन ग्रेन आर अनएबल टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट ठीक है है अभी कैसे होता ये केमिकल के थ्रू होता है अगर याद करो तो जो पोलन ग्रेन वाला जो पोलन इंटरैक्शन होता है स्टिग्मा के साथ या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होता है वो एक टाइप का कीमोट्रोपिज्म के अंदर तुम पढ़ चुके हो कहां पे पढ़ चुके हो आ, टेंथ में पढ़ चुके हो ठीक है और इलेवेंथ में भी पढ़े पड़, हुए होंगे प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर ठीक है तो जो ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये कैसे मतलब एक्टिवेट कैसे होता है कीमोट्रोपिज्म के थ्रू पर इस फ्लावर में बोला है कि सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन उड़ के जैसे ही स्टिग्मा पे बैठे तो जो भी मशीनरी है जो भी मैकेनिज्म चल रहा होगा कीमोट्रोपिज्म का वो बंद हो जाता है और साथ में दूसरे ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो इंश्योर करे कि ये जो पोलन आया है इसी फ्लावर का वो पोलन का फॉर्मेशन ना कर पाए उसी चीज को उन्होंने क्या लिखा है कि पोलन ग्रेन क्या ना कर पाए जर्मिनेट ना कर पाए हुआ क्लियर इतना तो कुछ बुक्स में सेल्फ स्टेरिलिटी लिखी है या फिर कुछ बुक्स में सेल्फ इनकम्पैटेबिलिटी लिखी है दोनों सही है मूव करें आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वॉट इज एपोमिक्स वॉट इज इट इंपोर्टेंट ये तो भाई वॉट इज इट तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट है ही आखिरी वाले फ्रूट के बाद है तुम्हारी बुक में अगर याद आ रहा होगा तो तो क्या होता है चलो देख लेते हैं मतलब ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसमें मियोसिस ही नहीं हुआ ना ही सिंग्यामी हुई सिंगी यानी कि याद करो एग और जो मेल गैमेट का फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ

तीनों पता है कैसे तीनों के तीनों एसेक्सुअल मेथड ही हैं रिप्रोडक्शन के बस एक में हम बात कर रहे हैं किसमें कि ऐसा ऑर्गेनिज्म बन गया जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जहाँ जो आता है पार्थिनोजेनेसिस में तुम पढ़ चुके हो ये बीज के लिए या फिर कुछ लिजाट्स के लिए बात की जाती है पार्थिनो में हम बोलते हैं कि ऐसे फ्रूट का फॉर्मेशन हुआ जहाँ सीढ़ी नहीं बना ठीक है और आखिरी वाला टॉपिक है एपोमिक्सिस मतलब ऐसा फर्टिलाइजेशन ऐसा फर, ऐसा डेवलपमेंट हो रहा है वेजिटेटिव पार्ट से लेके ए सेक्सुअल मीन्स ऑफ मेथड जिसमें सिंगी ही नहीं हुआ ठीक चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल शोइंग पोलन जर्मिनेशन ये वाले डायग्राम के चांसेस थोड़े कम है बाकी जितने भी मैंने डायग्राम मार्क करवाए थे तो उनके चांसेस सबसे ज्यादा है पर अब ये डायग्राम आएगा तो स्टार बना के लिखो ये वाला क्वेश्चन आएगा तुमको डायग्राम बेस में ड्रॉ करने के लिए तो थोड़े कम चांसेस है ड्रॉ किया हुआ मिलेगा और उससे कुछ लेबल पार्ट पूछा जाएगा तो चलो देख लेते हैं तो ये वाला डायग्राम है अगर देख सकते हो तो ये क्या है स्टिग्मा है स्टाइल है ओवरी है ओवरी के अंदर क्या होता है ओव्यूल होता है देखो अगर याद होगा मैंने बोला था कि तुम्हारी बुक में जो दोनों ओवियूल बने हुए हैं वो सही है एक एनाट्रोपस है और एक पूरा रिवर्स वाला है ये अलग बात है कि तुम्हारी बुक में बताया ही नहीं है कि ओव्यूल्स छह टाइप के होते हैं तो कंफ्यूज मत होना दोनों सही है बट अगर और समझना है कि अपनी बात को समझना है तो जो पुल्टा कर लो उसको है ना क्योंकि देखो हमें पता है 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 कि जो पोलन ट्यूब है, वो कौन से एंट से से एंड एंड एंटर एंटर करती है? एंट से एंटर करती है, ये रहा और तुम्हारी यह तो भी ठीक है ठीक चलो देख लेते हैं तो सबसे पहले पोलन जर्मिनेशन का पूछा है। तो स्टिग्मा पे आए बहुत सारे पोलन क्या डेवलप हुआ पोलन ट्यूब कौन किस चीज के कारण कीमोट्रॉपी के कारण बस या कीमोट्रॉपिज्म के कारण ट्रैवल करते करते कहां गए पोलन ट्यूब इस तरफ गई एंड पे जहां पे क्या था थे क्योंकि के अंदर होता है, करेगा यानि दूसरा जो न्यूक्लियाई है वो जाएगा पोलर न्यूक्लियाई के पास थ्री एन बन जाएगा ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी ट्रिपल फ्यूजन बो, बोलेंगे उसको और रिजल्ट होगा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन या प्राइमरी न्यूक्लियस का सिंस एक साथ दोनों हो रहा है है तो 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 उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और और ये ये रेफरेंस के के लिए तो के लिए लिए से ड्रॉन ड्रॉन वाला क्वेश्चन ड्रॉ करने नहीं आएगा Drone मिलेगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ जाएंगे तो इसको स्टार इस मतलब पहले वो बोलेंगे आइडेंटिफाई करो इस पोर्शन को और फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ठीक चलो आगे मूव करते देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट अरे एडवांटेजेस क्या है पूरा का पूरा एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट ही डिपेंड है पोलिनेटर्स पे पोलिनेटर्स होंगे तो पॉलिनेशन होगा तो पॉलिनेशन तो की है आगे लाइफ को कंटिन्यू रखने की सीड बनाने की सीड जब डिस्पर्स होंगे तभी तो न्यू प्लांट आएंगे तो एडवांटेज क्या बहुत इंपॉर्टेंट है याद करो अभी अभी रिसेंटली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो हनी बीज है उनका जो नंबर है पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है याद रखो स्पेसिफिकली हनी बीज या वो इंसेक्ट जो पॉलिनेशन करवा रहे हैं अगर उनका नंबर कम हो गया तो जितने भी फार्मिंग है जितना भी हमारा प्रोड्यूस है हार्वेस्ट है उसका नंबर कम हो जाएगा तो सीधा सीधा रिजल्ट होगा कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन कम हो जाएगा फूड स्कैरसिटी होने लगेगी तो सोचो कितना डायरेक्ट और ये जो पॉलिनेटर्स का नंबर कम क्यों हो रहा है पता है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ठीक है तो चलो देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ पॉलिनेशन

फिर सेम चीज तुम आपके थ्रू भी देख सकते हो सेम चीज तुम वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हो बस कुछ नहीं करना है जो भी पोर्टल तुमको इजीली अवेलेबल हो जाना है गूगल पे सर्च करना है यूट्यूब डालोगे यूट्यूब पर मैगनेट ब्रेन सर्च करना है तो जैसे ही मैगनेट ब्रेन सर्च करोगे चैनल आ जाएगा उसके मेन जो रहता है यहां पे उसको क्लिक करोगे तो पूरे सारे वीडियोज तुमको अपलोडेड दिखेंगे बस फिर कुछ नहीं करना है अपना जो भी वीडियो तुमने ऑलरेडी टैग किया होगा या सेव करके रखा होगा या प्लेलिस्ट सेव करके रखी होगी उसी में वो नया नया वीडियो एड ऑन होते जाते अगर बात करो वेबसाइट की तो वेबसाइट पर तो बहुत ईजिली हर चीज डिस्प्ले हो जाती है कि कौन से क्लासेस के लिए तुमने एनरोल किया है है ना क्योंकि मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है फ्री एजुकेशन एजुकेशन ऑनलाइन और साथ में कोई कोई भी भी चार्ज नहीं 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 करता मतलब कूपन कोड अप्लाई होता हम ऐसा भी नहीं करते कि दो चैनल फ्री में अपलोड कर देते फिर बोलते हैं बाकी के चैनल या बाकी के क्लासेस सुनने के लिए ये पे करें या सब्सक्रिप्शन नहीं ऐसी कोई बकवास नहीं तो हम क्या करते हैं हम फ्री एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं किड से लेकर ग्रेड ट्वेल्व तक इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम

ठीक तो ये सारी प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कहां मिलती है मैग्नेट ब्रेन चैनल पे जो यूट्यूब पे भी है वेबसाइट से भी तुम एक्सेस कर सकते हो और साथ में मैग्नेट ब्रेन ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो तो ये सारी चीजों की प्रिपरेशन कराता है अलग अलग एग्जाम्स की जो हमारे टॉप कोर्सेज है जैसे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एन जो तुम स्कूल्स में दोगे ओलंपियाड भी तुम स्कूल में दोगे सीयू टी आई नीट ट्वेल्थ के बाद दोगे या ट्वेल्थ के साथ साथ पर प्रिपरेशन तो साथ साथ करनी पड़ेगी ना साथ में यूपी और बिहार बोर्ड भी है अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए स्पोकन इंग्लिश भी है और साथ में जो ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम्स देते हैं जैसे बैंकिंग हो गया आर आर यूपीएससी और बाकी के एग्जाम्स हुआ क्लियर तो क्या करना है हमारे साथ बने रहना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूल है मिलते हैं हम अगली क्लास में पार्ट थ्री के साथ तब तक बने रहो पढ़ते रहो मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन के साथ